हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम बात करेंगे शुक्र के लिए, जो हमारी लाइफ में लग्जरी लेकर आता है, खुशियाँ लेकर आता है, लव लेकर आता है, रोमांस के लिए। ठीक है, जो लोग अपने पार्टनर की करंट फीलिंग या पार्टनर के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। शुक्र से हमें ऐश्वर्य मिलता है, जीवन में सुख मिलते हैं, सभी सुविधाएँ मिलती हैं। शुक्र से हमें गाड़ी मिलती है, घर मिलता है और सुख मिलता है। वैवाहिक सुख भी हमें शुक्र से मिलता है। तो यहाँ पर हम शुक्र के बारे में बात करेंगे। शुक्र 18 सितंबर से जो अपनी कन्या राशि नीच राशि में है, तो अब वो तुला राशि में अपनी स्वयं की राशि में आ रहा है 18 सितंबर से। तो यहाँ पर कई राशि वालों के लिए वो कैसा रहेगा इसके बारे में जानते हैं, क्या क्या बेनिफिट मिलने वाला है किन राशि वालों को। यहाँ पर ये मेष राशि वालों के लिए, मिथुन, कर्क, सिंह राशि वालों के लिए, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन लेकर आएगा। मेष राशि वालों के लिए चलिए जान लेते हैं। मेष राशि वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए सेवन्थ हाउस में आ जाएंगे तुला में शुक्र। शुक्र अगर शादी से रिलेटेड कोई, विवाह से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, आपको लव लाइफ में अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ठीक है, और कोई नौकरी या बिजनेस के रिलेटेड भी कुछ ना कुछ अच्छा हो सकता है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर मिथुन राशि वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए भी बहुत ही अच्छा लेकर आ रहा है। अगर किसी करियर में, करियर से रिलेटेड कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बिजनेस से रिलेटेड भी, लव रिलेशन में भी अच्छे अच्छे चांसेस आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कर्क के लिए। कर्क के लिए घर से रिलेटेड उन्हें सुख सुविधाएं मिलने वाली हैं। घर में कोई वाहन आ सकता है, कोई लग्जरियस चीज़ लेकर आ सकते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव है कर्क वालों के लिए। यहाँ पर है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के लिए भी उत्साह बना रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा उनका, उनका जो भी कहीं पर है उनको विजय प्राप्त हो सकती है, किसी भी कार्य में सक्सेस मिलने वाली है। अगर जॉब या ढूंढ रहे हैं तो उन्हें मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा फ़ायदेमंद रहने वाला है। जिनकी लिब्रा है राशि, वो लोगों को भी शादी का प्रस्ताव आ सकता है, ऐश्वर्य से संबंधित चीज़ें मिलने वाली हैं उनको, घर में कुछ नया लेकर आ सकते हैं, वाहन लेकर आ सकते हैं। है धनु राशि। धनु राशि के लाभ स्थान में आ रहे हैं, तो लाभ देने वाले हैं आपको, लग्जरियस चीज़ों का लाभ मिलेगा, पैसे का, धन का लाभ मिल सकता है, ऐश्वर्य से संबंधित लाभ मिल सकता है आपको। ड्रेस खरीद सकते हो, कोई वाहन, कोई सुख खरीद सकते, कोई वाहन का सुख खरीद सकते हो, या फिर आप अपने लिए कोई अच्छा, कोई लेडीज़ हैं अपना ज्वेलरी वगैरह खरीद सकती हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है यहाँ पर धनु राशि वाले के लिए। नेक्स्ट मकर, मकर राशि वालों के लिए भी कर्म स्थान में आ रहे हैं, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है यहाँ पर। उनको कहीं से अकस्मात धन की प्राप्ति के योग है, नौकरी, करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। कुंभ राशि के लिए भी राशि के भाग्य स्थान में आने वाले हैं शुक्र, तो भाग्य को चमकाने वाले हैं। भाग्य में कुछ ना कुछ, अगर कोई स्टॉक मार्केट है, लॉटरी है, वो भी उनका भाग, उसमें भी वहाँ उनको लाभ मिल सकता है। ईश्वर से संबंधित लाभ भी कुंभ राशि वालों को मिल सकता है। तो यहाँ पर ये था जिन राशियों को लाभ होने वाला है शुक्र का राशि परिवर्तन से, जो कि 18 तारीख को हो रहा है, 18 सितंबर को। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि मैं लाइव सेशन करती हूँ टैरो कार्ड से रिलेटेड। अगर आपको लाइव सेशन ज्वाइन करना हो तो आप लाइव सेशन भी ज्वाइन कर सकते हो। मैं दिन में 2 या 3 बार लाइव सेशन करती हूँ, नाइट में भी कई बार करती हूँ, कई बार दोपहर में भी। तो आप उसके रिलेटेड भी, आपको अगर कोई भी क्वेश्चन लेना हो, पर्सनल रीडिंग का हो, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर, और स्कोप की रीडिंग ले सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपके लिए शुक्र के राशि परिवर्तन का जो भी राशियों को फ़ायदा मिले उनके लेकर आई हूँ। नेक्स्ट भी मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी आपके लिए, होरोस्कोप से रिलेटेड कोई भी, या ग्रहों से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेना चाहते हो पायरामडी, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।